प्रदेश आरजेडी मुख्यालय और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। जोकी हाट के परिणामों से आरजेडी खेमा उत्साहित नजर आ रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। आरजेडी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव राय ने। आप देख सकते हैं किस तरह से राजद का कार्यालय, उसमें जीत का जश्न मनाया जाता है। जोकी हाट का जो रिजल्ट आया उसके बाद राजद के लोग काफी खुश है। क्या आज नीतीश कुमार के पतन का दिन और बीजेपी का पतन का दिन शुरू हो गया है, इसलिए हम लोग सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जिस तरह से जो कार्यकर्ता है वो ढोल और नगाड़े के साथ इस कार्यालय में सम्मिलित और जीत के जश्न को मनाया जा रहा है, और जिस तरह आप ये तमाम जो कार्यकर्ता है राजद के जो कार्यकर्ता है वो आपस में मिल बैठकर खुशियां मना रहे। रामचंद्र पूर्वे जी हमारे साथ हैं। पूर्वे जी, ये एक बड़ी जीत है, क्या कहेंगे? सर बधाई हो, बहुत जीत पर क्या कहेंगे आप? आप इस जीत को कैसे ले रहे हैं? खुशियाँ इतनी है या कुछ आवाज नहीं सुनाई दे पा रहा है? ये रामचंद्र पूर्वे जी लगातार किस तरह से आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ता है वो लड्डू खिलाकर इनको सम्मानित कर रहे हैं। सर ये देख रहे हैं जिस तरह से जीत मिली है, दो हजार उन्नीस का मिशन का आगाज नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का कोई तुरंत नीतीश कुमार जी को इस्तीफा कर देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर जो कि हाट के बाद उनको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं तेजस्वी जिस तरह से भारी जीत मिली है उसके बाद कहीं न कहीं तेजस्वी जी का भी आप विश्वास हुआ है, और जिस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें आप देख सकते हैं खासा उमंग है, उत्साह है। ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं राजद के जो ये परिणाम एक तरह से आने वाला 2019 का आगाज है, और जिस तरह से लगातार तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं ऐसे में 2019 का मिशन ये देखना होगा कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी रणनीति तय की है उसमें राजद कितना भारी पड़ता है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ संजीव राय, साधन न्यूज, पटना। जोकी हाट उपचुनाव में हार के बाद जेडीयू उम्मीदवार मुर्शीद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ दुष्प्रचार के कारण उनकी हार हुई है। विपक्ष ने एनडीए के खिलाफ दुष्प्रचार कर डर पैदा किया है जो उनकी हार की वजह बना। भाई दिखा के पोलराइजेशन किया गया, जब भाजपा के लोग तो गए भी नहीं प्रचार में। आपके द्वारा भी कहा गया था कि बड़े नेता को भाजपा के लोगों को नहीं प्रचार में भेजना है। भाजपा से अलायंस है ही और भाजपा के लिए कुछ तो गए ही। दुष्प्रचार किया गया कि बीजेपी के नाम से, मतलब भय दिखाया गया कि मुसलमानों के तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नमाज बंद हो जाएगी। जोकीहाट उपचुनाव की जंग आरजेडी ने जीत ली है। इस जीत से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खासे खुश नजर आ रहे हैं। आरजेडी के लिए ये जीत कई लिहाज से खास है। जोकीहाट का चुनाव परिणाम बिहार की दशा और दिशा को तय करेगा। सारे मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बात की हमारे पटना ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार ने। आज देश के 10 विधानसभा चुनाव और 4 लोकसभा सीट के चुनाव के परिणाम आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जोकीहाट चुनाव का परिणाम है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी, जिस तरीके से आज जोकीहाट चुनाव का परिणाम आया इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जनता को धन्यवाद देते हैं, मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को धन्यवाद देते हैं। और ये जो जीत हुई है ये जनता की जीत है, लालूवाद की जीत है। लालू जी एक विचार है, एक विज्ञान है, जिनको नीतीश जी और बीजेपी के लोगों को कई जन्म लेना पड़ेगा तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो जनता ने मैंडेट साफ दिया है, संकेत ये दिया है कि लालू जी के साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी है। जो अन्याय इन्होंने मेरे पिता पे किया और जिस प्रकार से संविधान को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, नीतीश कुमार आरक्षण को मिटाना चाहते हैं, अपना लोकतंत्र को
तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं तो जनता ने करारा जवाब दिया है। और ये जो सीट है ये जनता दल यूनाइटेड का गढ़ माना जाता था। 2005 से लगातार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीते थे। इस बार इतना वोट हम लोगों को मिला कि जितना वोट नीतीश कुमार जी को नहीं मिला उससे ज्यादा वोटों से तो हम जीते हैं। तो कई फासला जो है क्लियर मेजोरिटी के साथ हम लोग हर जगह, जब भी दूसरा बाय इलेक्शन है हर जगह हम लोग चुनाव जीते हैं। तो ये साफ संकेत है कि नीतीश कुमार जी फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर नहीं, नीतीश कुमार जी चीट मिनिस्टर हैं। और इसको लेकर के जनता जो है दुखी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में बना दिया, जनादेश के अपमान करने वाले को चोर दरवाजे सरकार में बना दिया, तो इसका जवाब दे रही है। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव का क्या ये लिटमस टेस्ट है? ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। जनता ने मन बना लिया है मन कि जो धोखा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने जहर फैलाने का काम किया, भाईचारा को भंग करने का काम किया, चीट करने का काम किया, उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या जिस तरीके से ये तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने सीट जीत पाई, जिस तरीके का ये लगातार मैंडेट आ रहा है? मैंडेट तो हम लोग तो सारी सीटों पे जीत रहे हैं। तो हर जगह जनता दल यूनाइटेड का जमानत जब्त हो जाएगा, भाजपा के लोगों की करारी हार होगी। क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो खतरे के दौर से गुजर रहा है। जो लोग सत्ता में काबिज हो गए हैं वो संविधान को मानते नहीं, वो नागपुरिया कानून को मानते हैं, वो गांधी जी को नहीं मानते, वो अंबेडकर जी को नहीं मानते, वो गौडसे को मानते हैं। तो देश में लोगों को तय करना है। जहां तक रिजल्ट आ रहे हैं बाय इलेक्शंस के, यहां तक सब लोग मानते हैं गौडसे जी को कोई नहीं मान रहा, गांधी जी को मानते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय और निरपेक्षता में मानने वाले लोग हैं। तो जो जहर बोने का काम करते हैं, जो गौडसेवादी लोग हैं, जो नागपुरिया कानून से चलाना चाहते हैं, उनको अच्छा करारा जवाब जनता ने दिया। बीजेपी लगातार कहती है कि जब जब बीजेपी उपचुनाव हारी है तब तो वो मेन चुनाव जीती है। कोई भी तर्क देते रहे, कौन सा चुनाव? कर्नाटका में हार गए हैं, अभी आने वाला है ना थोड़े दिन में, अब रुक जाइए ना, मध्य प्रदेश राजस्थान में देख लीजिएगा क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, अब कहीं ये लोग टिकने वाले नहीं। अच्छा आप बताइए कि जो लोग धोखा देगा उनको कहां से नौकरी देने का वादा किया, 15 लाख का वादा किया, गंगा जी को सफाई का वादा किया, स्मार्ट सिटी का वादा किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तेजस्वी जी थे जो साफ इस बात का संकेत है और इनका कहना है कि यह केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र मुकेश कुमार, सालन, पटना। देश भर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, लेकिन बीजेपी इस हार से चिंतित नहीं है। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो उपचुनाव के परिणाम स्थानीय मुद्दों पर आते हैं, लेकिन जब राज्य या देश में पॉलिसी बनाने के लिए सरकार चुनने का मौका आता है तो जनता बीजेपी पर ही भरोसा जताती है। अभी कर्नाटक के परिणाम को ही देखना चाहिए, बीजेपी 40 से 104 पर चली गई तो भी 12:30 बजे हम लोग प्रेस नहीं कर रहे और बीजेपी की संख्या 64 बढ़ी और वो हारे हुए लोग मिठाई बांटते। कर्नाटक में जोड़ तोड़ के सरकार बनाए जिसके लड्डू बांट रहे थे, आज तक कैबिनेट नहीं बना पाए। उनको सरकार की क्या आगे दशा होने वाली है? तो ये लोग एक आध सीट कहीं जीत जाए किसी राज्य में, लेकिन आप उठा के देखिए ना, पिछले 2 सालों में किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है सरकार बनने की बात आती है, नीतियां तय होने की बात आती है कि जो सरकार बनेगी वो काम करेगी। सरकार किसकी बनती है? सरकार एनडीए की बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है। जो उपचुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं और एक चुनाव के जीत से किसी को खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव राय जुट गए हमारे साथ पटना से। संजीव, नीतीश कुमार कह सकते हैं अपनी सिटिंग सीट बचाने में भी नाकामयाब रहे, क्या लगता है बीजेपी के साथ गठबंधन करके कहीं मुश्किल में तो नहीं पड़ गए और ये जो नतीजा है कहीं ना कहीं उसी का तो नहीं है? संजीव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आपको बताएं कि बिहार की जोकीहाट सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू और एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और आरजेडी के शाहनवाज आलम जीते हैं। अररिया के जोकीहाट सीट से आरजेडी उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने जेडीयू के मुर्शीद आलम को करारी शिकस्त दी है और 41,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है।
शाहनवाज ने। और वहीं जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे लालूवाद की जीत बताया और उन्होंने कहा कि अवसरवाद पर यह लालूवाद की विजय है। तो सवाल कई सारे निकले हैं पूरे देश भर में, कह सकते हैं कि आज जो चुनाव आए हैं 10 जगहों के, उसमें बीजेपी को निश्चित तौर पर सोचने की बात है कि आखिर क्या कुछ कमी रह रही है, क्या जो विकास के मुद्दों की बात कर रही है जनता उससे कहीं ना कहीं अनभिज्ञ लग रही है फिलहाल तो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उससे। और जिस प्रकार के झारखंड और बिहार के नतीजे रहे हैं वो तो कह सकते हैं कि ऐसे रहे हैं जो आने वाले समय में उसके परिणाम मिशन 2019 के तहत भी देखने को मिलेंगे। और जोकीहाट उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई है तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुस्लिम बहुल इस इलाके में जीत के लिए दोनों दलों के नेताओं ने खूब पसीना बहाया था और जीत के दावे भी किए थे, लेकिन आखिर जीत का सेहरा महागठबंधन के सिर बंधा। और इस सीट की अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि नीतीश और तेजस्वी को भी अपने अपने दलों के लिए चुनाव में प्रचार करना पड़ा था। तो आपको बताया जोगीहाट विधानसभा के लिए 28 मई को मतदान हुआ था और जदयू को सरफराज आलम जोगीहाट से विधायक थे और इससे पहले इसी सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी करारी हार झेलनी पड़ी थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव राय जुड़ गए हमारे साथ। संजीव, नीतीश कुमार ने अपनी सिटिंग सीट गवाई है कह सकते हैं, और जिस प्रकार से ये सीट गवाई है क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ गठबंधन करना महंगा पड़ गया? देखिए खुशबू, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से अगर आप इस सीट की बात करें तो आरजेडी के शाहनवाज हुसैन ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लगभग 40,000 से अधिक वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार जो थे मुर्शीद आलम को हराया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे संवाददाता संजीव राय से, लेकिन आपको बताएं कि जिस प्रकार से उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो कमाल के रहे हैं और देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा है, ये कहना है मंगल पांडे का। और जोगीहाट से जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब जो है वापस आरजेडी में शामिल होने के उनके कोई भी कयास लगाने गलत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पहले भी कर दिया है और अभी तो लालू जी पे पाबंदी थी क्योंकि अभी लालू जी की सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन जब जजमेंट से पहले उनका बयान भी आप लोगों ने देखा होगा, स्टेटमेंट भी देखा होगा कि अब नीतीश कुमार जी फिर से पैर पर गिरेंगे तो भी उनके लिए जगह नहीं होगा। और किस लिए हम समर्थन दें, क्या गारंटी है नीतीश कुमार जी का, कोई गारंटी है? फिर से पलटी मार रहे हैं, फिर हमारा वोट लेकर के बीजेपी को दान करने के लिए, मोहन भागवत को संविधान मिटाने के लिए हम उनका साथ दें, उनके लिए दरवाजा खोले, आरक्षण मिटाने के लिए उनका दरवाजा खोले? अगर ऐसा काम हम करते हैं या हमारे पार्टी में कोई भी नेता अगर इसका पक्ष लेता है तो ये समझिए कि जनता हम लोगों को कभी भी दोबारा माफ नहीं करेगी, बल्कि जनता ये बोलेगी कि आप लोग मौका प्रस्त हैं, हमें सत्ता का लालच नहीं है, हम लोगों ने अपने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया, मुख्यमंत्री पद का लालच होता तो हम कब का बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर के आज हम बिहार के मुख्यमंत्री बने होते, लेकिन मुख्यमंत्री बनना ही हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बिहार का विकास हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो और न्याय हो, अमन चैन हो, सामाजिक न्याय का झंडा और धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद रहे। किशन बाबू जो हमारे चाचा बार बार जो पलटी मारने का काम करते हैं और जो दावा करते थे जदयू के लोग कि जो राष्ट्रीय जनता दल को जो 80 सीटें मिली हैं ये नीतीश जी के चेहरे का कमाल है, तो देख लीजिए नीतीश जी का चेहरे का कमाल कि 499 वोटों पर ही वो सिमट करके रह गए हैं। और आप देखिएगा कि जो 71 जो सीटें जो आई हैं ये साबित हो गया है कि 71 जो सीटें आई हैं वो लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत
जनता दल यूनाइटेड जो है 71 सीटों पर पहुंचा है, ये साबित करता है ये आंकड़ा। और हम तो कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में विपक्ष के लोग जो गोलबंद हुए, हम शुरू दिन से ही कहते थे, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से मायावती जी, अखिलेश जी और सभी आरएलडी के लोग, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग एकजुट हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से बहन मायावती जी का, अखिलेश जी का, आरएलडी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि देश हित के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं, इससे बीजेपी को जो सबक जो लोगों ने सिखाने का काम किया, जो जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, इसके लिए हम सभी विपक्षी दलों को